विद्युत संविदा कर्मचारी संघर्ष समिति के तत्वावधान में संविदा कर्मचारी द्वारा किए गए प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 2 वर्षों से मुरादाबाद में विद्युत विभाग में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को ठेका TDS कंपनी का है। कंपनी ने विभाग का ठेका लेने के 5-6 माह बाद ही कार्यरत अनुभवी संविदा कर्मियों को किसी न किसी बहाने हटाना शुरू कर दिया और उनकी जगह अनुभवहीन संविदा कर्मियों को लगा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ज्ञात हुआ कि उक्त कंपनी के प्रतिनिधि ने सदस्यों से 20 से 50 हजार लेकर उनकी भर्ती की है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है जो संविदा कर्मी निकाले गए हैं उन्हें जल्दी काम पर रखा जाए और उन्हें पूरा भुगतान किया जाए और कंपनी की निष्पक्ष जांच कराकर उस पर कार्यवाही की जाए। अधिक जानकारी देते हुए विद्युत विभाग संविदा कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रांतीय अध्यक्ष उमेश चंद्र ने बताया कि क्या नाम है? मेरा नाम उमेश चंद्र है। जी, आप किस संस्था से? मैं विद्युत संविदा कर्मचारी संघर्ष समिति बिजली विभाग में संविदा कर्मी है उनका अध्यक्ष हूँ। आज कोई ज्ञापन दिया आपके द्वारा? आज ये साहब से मिलने का प्रोग्राम था, कुछ दिनों पहले उन्होंने मिलने के लिए कही थी क्योंकि हमारे यहाँ मुरादाबाद में TDS कंपनी का जो ठेका है संविदा कर्मियों का, तो ठेकेदार ने छोटी छोटी बातों को लेकर कई संविदा कर्मियों को निकाल दिया और नए आदमियों को अनेक तरीके से पैसे वैसे लेकर उनकी भर्ती कर ली है। जो अनुभवी आदमी है पुराने काम कर रहे हैं उन्हें 55 साल से अधिक उम्र का इशू बनाकर ये छोटी मोटी गलती बताकर उन्हें विभाग से निकाल दिया। हम पिछले कई बार से ऐसे महोदय से मिले थे और जिलाधिकारी महोदय से भी मिले हैं। कुछ लोगों ने श्रम विभाग में केस भी उसके ठेकेदार के खिलाफ डाल रखा है लेकिन केस की तारीख पर ठेकेदार आता नहीं है पिछले 6-7 महीने से, जिससे हमारे निर्णय होने में विलम्ब हो रहा। हम आज PM साहब से यही गुजारिश की है कि भाई जो हमारे लोग हटाए गए गलत तरीके से उनको जो है दोबारा लगवाया जाए और जो जितने दिन हटे हुए हैं उनका उनका वेतन दिलवाया जाए। कितनी संख्या होगी जो निकालेगी? लगभग 15-20 आदमियों को उनने पीछे 1 साल से हटा दिया।